Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So children, any guesses? What I am telling you about? And what I was singing? Yes, I was singing Krishna Maha Mantra. So today I will tell you about Janmashtami. Janmashtami kya hoti hai? Yes, it's Lord Krishna's birthday. Like you, jaise aapka birthday hota hai, waise hi Lord Krishna ka birthday ko kya bolte hain? Janmashtami. Yes, Janmashtami is a festival celebrated all over India. और ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे को. सो नाइस ना. लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न टू किंग वासुदेवा एंड हिज वाइफ देवकी. यू नो देवकी एंड वासुदेव उनके मम्मी पापा थे. बट एक वहाँ पे किंग था कंस. ओ माय गॉड, वो किंग इतना क्रूअल था और लोगों को बहुत तंग करता था. और एक दिन क्या हुआ, भगवान ने बोला कि आपको एक कृष्णा आएगा और वो आपको किल कर देगा क्योंकि आप लोगों को बहुत तंग करते हो. जब कंस को ये पता चला तो वो बहुत डर गया और उसको लगा अब तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं क्या करूं उसको करने के लिए. तो भगवान को ऊपर से भगवान ने बोला कि वो जो कृष्णा है वो देवकी के घर में आएगा, मतलब देवकी का बेटा होगा. जब उसको ये पता चला कि देवकी मेरी सिस्टर, माय सिस्टर, वो उसका बेटा मुझे मारेगा, तो उसने सोच लिया कि अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पैदा होते ही मार दूंगा. वेरी बैड, वेरी क्रूअल किंग. सो ही ट्राइज टू किल हिम. सो बट इस बात का पता वासुदेव और देवकी को पता चल गया. अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए क्या किया पता है आपको? यू नो वासुदेव को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को एक टोकरी में लेके यमुना नदी के पार दूसरी जगह छोड़ दिया. और वो दूसरी जगह पता है कौन सी थी? यमुना के अदर साइड था गोकुल. और गोकुल में रहते थे नंद बाबा और यशोदा मैया. वहाँ वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब वासुदेव वहाँ पहुंचे तो उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया के घर गए और अपने बेटे को नंद बाबा के हवाले कर दिया और बोला मेरे बेटे को प्लीज प्लीज टेक केयर करना. क्यों? क्योंकि कंस ने उसको मारना था ना, तो उन्होंने सोचा कंस से बचाने के लिए मैं नंद बाबा के घर में अपने बेबी को छुपा देता हूँ. और जब वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा रहने लगे तो यशोदा मैया और नंद बाबा ने उनकी बहुत केयर की और वो वहाँ बहुत हैप्पी रहने लगे. और लॉर्ड कृष्णा के दूसरे मम्मी पापा का नाम क्या है? यशोदा मैया और नंद बाबा. यस, हम लोग इसी नाम से जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा के मम्मी पापा का नाम यशोदा मैया और नंद बाबा है. जब लॉर्ड कृष्णा छोटे थे तो वो बहुत ही नॉटी थे, लाइक जैसे आप हो, आप भी नॉटी हो ना. लॉर्ड कृष्णा बहुत नॉटी थे और कृष्णा वॉज फॉन्ड ऑफ बटर. तभी तो उनका नाम माखन चोर पड़ा क्योंकि उनको बटर बहुत अच्छा लगता था. वो क्या करते थे, उनकी मम्मा क्या करते थे, मटकी को ऊपर टांग देते थे और कृष्णा क्या करते थे, टक से तोड़ के उसमें से मक्खन निकालते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ सारे शेयर करते थे. तो कृष्णा वॉज फॉन्ड ऑफ बटर. बट कृष्णास, यू नो कृष्णास ब्रदर नेम, एनीबडी नोज, एनी गेसेस? यस, कृष्णास ब्रदर नेम वाज बलरामा. और बलरामा जो थे ना वो नॉटी नहीं थे, बट कृष्णा तो बहुत नॉटी थे. एंड लॉर्ड कृष्णा के आपको पता है कितने सारे नाम हैं, लाइक यू, जैसे आपके निक नेम है ना चिंकू पिंकू टिंकू, वैसे ही लॉर्ड कृष्णा के भी बहुत सारे नाम है. सो आई विल टेल यू
टू थ्री फोर नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम माखन चोर. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको बटर बहुत पसंद था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बटर, इसलिए हम उनको माखन चोर बुलाते हैं. यस. एंड वन नेम वॉज नंदलाला. नंदलाला क्यों? क्योंकि नंद उनके पापा का नाम है, तो हम बोलते हैं नंद के लाला. लाला मीन्स बेटे. और हम उन्हें यशोदा नंदन भी बुलाते हैं, क्योंकि यशोदा क्या है, उनकी मैया का नाम, इसलिए हम उनको यशोदा नंदन भी बुलाते हैं. हम उन्हें कृष्णा, कान्हा, श्याम. श्याम मीन्स सांवले, वो सांवले थे इसलिए हम उनको श्याम भी बुलाते हैं. और कृष्णा लव्स काउज, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम गोविंदा. और यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोविंदा? गोविंदा मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ काउस. गो मीन्स गाय. सो हम लोग उनको गोविंदा भी बुलाते हैं, क्योंकि उनको काउस बहुत पसंद थी, वो काउस के साथ खूब खेलते थे. और आपको पता है, जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वैसे ही लॉर्ड कृष्णा के का एक बेस्ट फ्रेंड था. एनीबडी नोस? एनी गेसेस? यस. Yes, Sudama was a childhood friend of Krishna from Mathura. You know, जब वो स्कूल जाते थे, जैसे आप केजी में हैं, सारे बच्चे हम नर्सरी से लेकर 12 तक वो कृष्णा के फ्रेंड रहे. Sudama was a best friend of Lord Krishna. And next is, I'll tell you about one instrument. आपको पता है लॉर्ड कृष्णा को कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा लगता है, जो वो हमेशा प्ले करते हैं? एनी गेसेस? यस, फ्लूट. फ्लूट वाज द डिवाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड ही लव्स टू प्ले. वो जब भी प्ले करते थे ना फ्लूट, तो क्या होता था आपको पता है? सारी काउस खो जाती थी उनकी फ्लूट में, सारे फ्रेंड्स गुम हो जाते थे. इतना सुंदर, इतना प्यारा बजाते थे लॉर्ड कृष्णा फ्लूट, तो सब मग्न हो जाते थे उनकी फ्लूट में. और लॉर्ड कृष्णा जो थे, वो एक और चीज, टेल मी, वो क्राउन में क्या लगाते थे? एनी गेसेस? यस, मोर पंख. यू नो पीकॉक फेदर? Peacock is full of happiness and gratitude. That's why he loves peacock. तो अब आपको पता चला लॉर्ड कृष्णा के बारे में कितना कुछ न्यू चीजें पता चली. So now I will ask you few questions. Let me see whether you know or not. अब आपने देखती हो आपने स्टोरी कितनी अच्छी तरह से सुनी है. Now my first question is, name the parents of Lord Krishna where he was born. Any guesses? Yes, yes, Vasudeva and Devaki. Now my next question is, in which season is Janmashtami celebrated? I know everyone know that answer. Yes, इट्स मॉनसून सीजन. यस, आपने देखा है जब भी लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे होता है तो हमेशा रेन होती है. इस बार आप फिर से देखना, जैसे 12 o'clock होंगे रेन आएगी, देख लेना. माई थर्ड क्वेश्चन इज, नेम अ लॉर्ड कृष्णास पेरेंट वेयर ही ग्रू अप. अब ये थर्ड क्वेश्चन है. पहले वाला क्वेश्चन तो मैंने पूछा था कि वो कहाँ पैदा हुए थे, अब थर्ड क्वेश्चन है कि वो कहाँ बड़े हुए. यस, यशोदा एंड नंद बाबा. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, टेल मी एनी फोर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा. अभी अभी मैं आपको बता के आती हूँ स्टोरी में. यस यस यस, हम उन्हें माखन चोर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, he was fond of butter, that's why we call माखन चोर. And one name was Govinda because he's a protector of cows. And Kanha, Krishna and लड्डू गोपाल. आपने देखा है लड्डू गोपाल को हम झूला देते हैं जन्माष्टमी पे. Yes, so we call all the
Laddu Gopal also. Very good. Now it's your test. You will learn at least 5 names of Lord Krishna. Aapne yaad rakhne aur ma'am aapko puchhenge. Now my next question is, what was the name of Krishna's brother? Yes, yes, very good. Balarama. Balarama was the Krishna's brother. Yes. Next question is, what was the name of Krishna's childhood friend? Yes, I told you. Sudama. Very good. Yes. Now next question is, what did they put on their crown? I know everyone knows this answer. Yes, morpang, peacock feather. Very good. Next is, which musical instrument did he like to play? I know everyone knows this answer also. Yes, flute. Very good. And my last question is, which animal did he love so much? Yes, 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 cows. That's why we called Govinda. So let's sing and celebrate Lord Krishna's birthday with this song. All of you sing with me. Nand ki anand. To all of you.